तो कैसे हैं आप? तो क्यों व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित नंदा आर्यन नंदा और आज फिर चैनल नंदा बॉय। चलिए शुरू करते हैं गाइस। बहुत दिनों के बाद एक ये जगह पे बैठे हुए एक नई वीडियो आई है, तो इस वीडियो के लिए लाइक करना चाहते हो दबा देना, दबा के ठोक दो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं। पता है मैं बहुत अजीब लग रहा हूं, मतलब मैंने नया क्या कलर करवाया है बाल पे, ये स्कूल में अलाउड नहीं, फिर भी आपके लिए करवाया। तो आज हम क्या करने वाले हैं जरा बताइए कंप्यूटर महाशय, आज हम क्या करने वाले हैं? शुरू होने से पहले हम बात कर देते हैं एक नए इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी चैनल जिया दोस्तों नंदा बॉय पे एक नया इवेंट शुरू हो गया है, कमेंट सॉर्ट आउट इवेंट, जिसमें आपको एकदम मस्त वाला ओपी जिस टाइप का मैं कमेंट बोलूँ वो कमेंट करना है। तो मेरे इसी वीडियो पे जिस ठीक है ओके, सो अभी जो पिछला वाला वीडियो था उसमें ये इवेंट शुरू हो चुका है, तो उसले वीडियो में शॉर्ट आउट मिला है यश भानुशाली को, तो इस वीडियो में भी दबा के कमेंट कर दीजिए और आप भी पाइए शॉर्ट आउट हमारी चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बाय ए एस एच यहाँ पे नाम आ चुका होगा यश भानुशाली। चलिए अगला, हाँ आपको टॉपिक बता दूँ, आपको आपके फेवरेट एक्टर है ना उसका नाम बोलना है यूट्यूब पे, नहीं मतलब यूट्यूब से नहीं ड्रिगनी चढ़ी है सब, मतलब जो एक्टर थे ना सलाम 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 सलमान खान एक्सेट्रा वैसेट्रा कुछ भी, तो उनके बारे में आपको कमेंट करना है। और हाँ, जो भी मेरा फेवरेट एक्टर कमेंट करेगा उसको मिलेगा अगले वीडियो में सॉर्ट आउट, तो जल्दी कमेंट कर दो फास्ट फास्ट, पहला कमेंट को भी सॉर्ट आउट मिल सकता है। गाइस लगता है इनके घर नाई, जी हाँ दोस्तों अब मैं अंग्रेजी सब बोलने लग गया हूँ। अरे इनके घर में ये चाकू नहीं, अरे पेन से, मतलब पेन थी ना, हाँ पेन ही थी लगता है, हाँ मतलब काटा चम्मच से भी हम बीच में से काट सकते हैं, पर काटा चम्मच से यार सुंदर लगा के एकदम वी करना है। चुप बिल्कुल चुप, चुप बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? भाई मतलब बहन भाई कुछ भी हो, जो भी बनाता हो मुझे नहीं पता, पर बहन भाई है, पर मतलब 10 रुपए की आपको मिल्की बार वहाँ पे मिल जाएगी, घर पे क्यों बना लिया? डेयरी मिल्क 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क लिए हैं इसने, 20 रुपए वाली मिल्की बार ले आई थी इससे अच्छा 40 रुपए की डेयरी मिल्क थी उसका, फिर 40 रुपए का कुछ तो होता है वो लिया, 80 रुपए की चॉकलेट बनाने से अच्छा 20 रुपए की चॉकलेट की मैं ले लो। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। सेम बनेगी, सेम ही प्राइस, सेम ही प्राइस, प्राइस अलग होगा पर टेस्ट तो सेम ही होगा ना, पागल औरत। घर पे बनाएंगे सब, घर पे बनाएंगे, 5 मिनट क्राफ्ट, आधा घंटा लगता है बनने में उसको, पता है कुकर के देखो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा बनने में चॉकलेट को, और मेल्ट होगी उसके अलग से फ्रीज में जमाने के लिए 3 घंटे लगेंगे। अब बोलो 5 मिनट क्राफ्ट्स आ गए, नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। गाइस अब मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना एकदम गौर से, एक एक नहीं नहीं दो सॉन्ग सुना जा रहा हूँ, दोनों सॉन्ग का एक एक वर्ड एकदम ध्यान से सुनना ठीक है। सो वो वाला सॉन्ग है ना माँ, हाँ सुनो, माँ मुझे जाने दो ना मेरी माँ, मुझे घूमने जाना है मेरी माँ, ओ मनाली और शिमला और गोवा मेरी माँ, मुझे जाने दो ना मेरी माँ, मुझे होली मनानी है माँ, और मनाली फिर
शिकारी मैंने मारी मेरी माँ उनका शमशे पुश। कैसा लगा कमेंट करना जी हाँ दोस्तों। तो चलिए आगे दूसरा सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। लाइसेंस लाइट दबा के ठोक बेसुर लगाते शर्म नहीं आती इसको पब्लिक के सामने गाती हुई थी। बेशरम है बेशरम। हाँ इसमें तो बेशरम ही है। क्या क्या कहते चलो निकलो स्लाइम कौन खिलाता है। कलर कलर भी स्लाइम नहीं है तो कलर कौन खिलाता है। छी वो पूरा मुंह में डाल रही है। ए ऐसा कभी ट्राई मत करना गाइस, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। 5 मिनट क्राफ्ट कुछ भी बताती है खुद नहीं करती। तो इसीलिए वो दबा के लाकर यहाँ में लगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं 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 रुको रुको रुको, अरे क्या कर रहे हैं यार, टाइम बाकी है अभी, बाकी है अभी। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाने वाला। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना और हम मिलते हैं किसी न्यू 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 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय नहीं न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।